हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई एम योर अल्फा एंड यू आर माय ओमेगा फैन फिक्शन के पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जान सभी को सेफ हाउस जाने के लिए कहता है। अब आगे की स्टोरी। जान गेट के बाहर खड़े होकर अपने फैमिली को तरफ देख रहा था, जो सभी सेफ हाउस की तरफ जा रहे थे। वो अपने चारों पेरेंट्स को गले लगते हुए कहता है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। उसकी मामा और मम्मी, जो बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड थे, वो रो रहे थे। उसकी तरफ देखते हुए कहते, हमारा मास्टर जो कहेगा। और उसकी दोनों डैड उसकी तरफ देखते हुए कहते, बेटा तुम अपना भी ख्याल रखना। ये कहकर उसके टाइटली उसे गले लगा लेते हैं। जैन का, कौन का, अपना ख्याल रखिएगा। जी जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मगर उसकी बड़ी बहन, जो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसे टाइटली गले लगाते हुए रोने लगता है। वो कंधन में इजन को पकड़ कर जब खड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था उन लोगों को देखकर। वो कहता है, सब कुछ ठीक तो है ना, आप सभी लोग क्यों रो रहे हैं। जान तो बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर रुका है, जैसे उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो तो हमारे पास आ जाएगा। जान कहता है, हाँ ठीक का, आप सभी लोग क्यों रो रहे हो, बस बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये कहकर वो इबो को और अपने बेबी को टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और अपना ख्याल रखना। और छुपके से इबो को लिप्स पर किस कर देता है। उन दोनों ने अनाउंस नहीं किया था कि वो दोनों साथ हो गए हैं, तो इबो पूरी तरह ब्लश हो जाता है और उसकी तरफ पिंच करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो। जान मुस्कुराने लगता है और उसके कान में उस्पर करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इबो भी कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो जाकर ध्यान में बैठ जाता है। सभी ध्यान में बैठ जाते हैं तो जान उन तीनों की तरफ देखते हुए उनके शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है, सभी का ख्याल रखना। तो किम जान की तरफ देखते हुए कहता है, गागा प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना। जान कहता है, मैं इसे बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता सभी इसमें सफ़र करें, इसे अच्छा है मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूँ। जिया प्लीज़ उसके पास रहना अगर वो दुखी हो। तो जियांग अपना सारे लगा हाँ कहता है। जियांग कहता है, मगर तुम्हारा। जान बातों को काटते हुए उसे ध्यान पर पोस करते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम सभी यहाँ से जाओ, बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जान सभी को टेक केयर कहकर सबको बाय करता है। उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो हाइक्वान के पास जाकर कहता है, तुम सभी को गुड बाय नहीं कहोगे। हाइक्वान मुस्कुराते हुए जान के शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है, क्यों मैं सभी को गुड बाय कहूँ, मुझे पता है हम लोग वापस सियोर जाएंगे। कुछ देर जाने के बाद इबो को ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो पीछे की तरफ देखता है, वो चाहता था वो रिटर्न चला जाए। उसका हार्ट बहुत जोर से बीट करने लगा था, यहाँ तक कि इजन भी उसके चेस्ट को पकड़ कर बहुत जोर से रो रहा था। जितने चुप कराने कोशिश करने पर भी वो चुप नहीं हो रहा था। लिंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इबो तुम ठीक हो। इबो कहता है, नहीं मामा पता नहीं, मुझे कुछ गलत लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। मामा मैं रिटर्न जाना चाहता हूँ। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और साइलेंटली प्रे करने लगते हैं। लिंग कहता है, इबो हम घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इबो खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है, मगर उसका हार्ट और ज़ोर से बीट करने लगता है। दूसरी तरफ इजन जो उसके गोद में और ज़ोर से रोने लगता है। इबो अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लेता है, मगर सडनली वो पूरी तरह शॉक हो जाता है जब उसके सामने एक विजन आता है, जहाँ पर सारे वर्ल्ड की ब्लड और डेड बॉडीज और उस घर को जला हुआ देखता है। शाहजहान जो उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसके शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा था। इबो घबरा कर अपनी आँखें खोलता है और रोते हुए कहता है, मामा मैं रिटर्न जाना चाहता हूँ, प्लीज़ यहीं पर रुक जाओ। उसकी माँ कहता है, इबो हम लोग ऑलरेडी घर पहुँच चुके हैं। इबो बहुत ज़ोर से रो रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था, मामा प्लीज़ घर चलते हैं, वो डेंजर में है, जान डेंजर में है, प्लीज़ हम लोग घर चलते हैं। जीवन कहता है, इबो ये जस्ट हेलुकेशन है, इबो तुम प्लीज़ ड्राइव करो, हम घर के पास ही आ चुके हैं। वो सभी लोग घर के पास पहुंच जाते हैं और सभी अंदर भी चले जाते हैं, मगर इबो वहीं पर ही खड़ा हुआ था अपने बेटे को टाइटली गले लगाता हुए। इबिन का उसकी बहन का फ़ोन आता है, जब उसे घबराते हुए कहता है, इबिन तुम कहाँ पर हो,
तुम सभी सेफ तो हो ना? इबिन सहन करते हुए कहता है, जी जे हम सब ठीक है, हम सब सेफ हाउस पे पहुंच चुके हैं। क्यों, क्या हुआ? उसकी बहन कहती है, तो फिर ठीक है, साइजन तुम्हारे साथ है? उसे कहना ओएन रोहन ऑलरेडी उसके घर पहुंच चुका है। हमारे प्लान के मुताबिक जब ओएन रोहन उसके घर में किसी को भी नहीं देखेगा तो हम उसके रिएक्शन देखेंगे। इबिन पूरी तरह स्टोंड हो जाता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। तो हाइक्यून कहता है, इबिन क्या हुआ? तो इबिन बहुत जोर से घबराते हुए कहता है, शाहजहान हमें झूठ कहा, उसने हमसे झूठ कहा। जीवन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नीचे से फ़ोन उठाते हुए देखते हुए कहता है, क्या कहा उसने? और जैसे ही वो सारे मैसेज पढ़ता है वो भी चिल्लाने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इबो जो बाहर खड़ा हुआ था वो अंदर आकर कहता है, क्या हुआ? मगर कोई उसे कुछ भी आंसर नहीं देता, सब उसे बस देख रहे थे और फ़ोन को देख रहे थे। इबो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, मामा हम सब लोग जा रहे हैं ना? जाचंग और हाइक्वान बहन की तरफ दौड़ने लगते हैं। वो जैसे ही स्टार्ट करने वाले थे वो स्टार्ट नहीं होता तो जाचंग गुस्से से बहन को किक मारते हुए कहता है, सीट, ये सब कुछ उसका प्लान था। सभी रोने लगे थे मगर इबो बाहर दौड़ने लगता है कैब ढूंढने के लिए। लकीली उसे कैब मिल जाता है, उसे रोकते हुए अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है, इमरजेंसी है, प्लीज़ स्पीड चलो। इबो जो बहुत जोर से रो रहा था, इजन उसके गोद में वो भी रो रहा था। वो लोग गांव के पास पहुंच जाते हैं तो ड्राइवर कहता है, सर मैं आप लोगों को यहीं पर ही ड्रॉप कर सकता हूँ, अंदर नहीं जा सकता। तो इबो सर हिलाकर उसे पैसा देकर वो जाने लगता है। इबो डिसाइड करता है कि उस छोटे से जंगल के रास्ते पर वो जाएगा जो उसके मेंशन के साथ कनेक्ट है, तो वो दौड़ के जा रहा था। कुछ ही दूर में उसे एक वीक वॉइस में जैसे कोई हेल्प के लिए बुला रहा था। जब उसके पास वो जाता है वो देखता है हाइक्वान और हाइविन थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। हाइक्वान कहता है, आंगिबो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तो इबो कहता है, तुम सबको क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जान कहाँ है? वो चारों तरफ उनके घुमा कर उसे ढूंढने लगता है। तो हाइक्वान कहता है, इबो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर क्यों आए? जान को जैसे ही पता चलेगा वो मुझे मार डालेगा। इबो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने नहीं कहा कि जान कहाँ पर है। और हाइवन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वांगी बो जाने ही बेला था कि हाइक्वान उसे रोकते हुए कहता है, इबो मत जाओ, साइजन सब कुछ हैंडल कर लेगा। इबो रोते हुए कहता है, नहीं मुझे जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है। और अपने बेटे को हाइक्वान को देते हुए कहता है, प्लीज़ इसका केयर रखना, मैं जान को लेकर अभी आता हूँ। दूसरी तरफ जान जो अपने लोगों को देख रहा था जो वेन के साथ लड़ रहे थे, कुछ ही देर में उसका नाम बुलाते हुए कोई आ रहा था। तो जान जब टर्न होकर उनकी तरफ देखता है जो वेन चाव था और उसके राइट में वेन जुलियो खड़ा हुआ था। जान चिल्लाते हुए कहता है, वो कावड़ वेन रोहन के बच्चे, तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हारे पास खड़ा हुआ है। तो वेन चाव गुस्से से दांत चबाने लगता है। वेन चाव गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जान तुम बास्टर्ड हो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें डेफिनेटली अपने ही हाथों से आज तुम्हें मार डालूँगा। तो जान हंसते हुए कहता है, तुम मुझे मारोगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वेन चाव हंसते हुए कहता है, तो फिर देख लेंगे। दूसरी तरफ इबो जो जान का नाम लेते हुए उसी तरफ आ रहा था, तो जान पहले प्लींस हो जाता है। वो सोचता है वो हेलुगेशन है, इबो यहाँ पर कैसे हो सकता है? मगर कुछ ही वक्त में उसे इबो का एहसास हो जाता है जो उसका नाम लेते हुए उसके पास आ रहा था। जान पूरी तरह भूल जाता है कि वेन चाव उसके पास खड़ा हुआ है, तो वो इबो के पास भागने लगता है। मगर उसे वेन चाव रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? और वो अपने वेंचुलियों को सिग्नल देता है कि उस पर अटैक करें। जान भी फैट बैक करने लगता है, वो कोशिश करता है कि इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें और वो इबो को अपने गले लगाए। जान पूरी तरह थक गया था मगर फिर भी वो वेंचुलियों पर अटैक कर रहा था। वेन चाव को चांस मिल जाता है इबो के पास जाने के लिए। वो उसके पास जाकर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरी वाइफ ही। इबो उसकी तरफ डिस्कस्टिंग नज़र से देखने लगता है और कहता है, मेरे सामने से हटो। तो वेन चाव उसे रुकते हुए कहता है, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? जान की ग्रोन की आवाज़ आता है। तो इबो जब उसकी तरफ देखता है वो खून की उल्टियाँ कर रहा है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, और मुस्कुरा रहा था। मगर इबो बहुत ज़्यादा उदास था।
कुछ ही सेकंड में इबो पूरी तरह सहक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कुछ ही देर में जहाँ नीचे गिरा हुआ है जो ढेर सारे खून की उल्टियाँ कर चुका है। तो तीर उसके बॉडी में लगा हुआ है, एक उसके हार्ट में और दूसरा उसके बैक में। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लरी हो जाता है। जब उसके सामने उस दोनों कल्प्रिट को देखता है तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और कहता है तुम दोनों। वो दोनों जैसे ही जान के पास भागने ही वाले थे इबो वोल्फ में ट्रांसफर हो जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है। उन दोनों को कहीं दूर फेंक कर वो जान के पास जाता है। जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है इबो मैं ठीक हूँ तुम मत रोओ। जान वहीं पर ही बेहोश हो जाता है तो इबो अपने टेल पर उसे पकड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। हाइकन जैसे ही वोल्फ की आवाज़ सुनता है तो वो खड़े होकर वोल्फ की तरफ देखने लगता है। वो समझ नहीं पाता मगर उसने देखता है कि जान उसके टेल में बैठा हुआ है। हाइकन रोते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर जो व्हाइट वोल्फ था उसकी तरफ दुखी नज़र से देखता है और अपने मुँह पर ईजान को लेकर जंगल की तरफ दौड़ के चला जाता है। हाइकन हाइबिन को लेकर उसे फॉलोअप करते हैं। इबो रेस्ट हाउस की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसके पूरे फैमिली थे। तो इबो अपने माँ को ईजान को देकर कहता है इसका केयर रखिए और माइंडलिंग करते हुए कहता है इसके लिए वरीड मत होइए मैं इसके अच्छे से केयर रख लूँगा मैं जल्द से जल्द वापस आऊँगा। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला जाता है। वो कंटिन्यूसली जंगल की तरफ चले जा रहा था एक गुम्फा के पास। वो गुम्फा में जाकर जान को नीचे सुलाता है। जब उसके चेस्ट में और उसके स्टोमक में जब इतना गहरा चोर देखता है तो वो ग्रोल करने लगता है और उसके सारे बॉडी को लीक करके क्लीन करने की कोशिश करता है और वो बाहर जाकर एक शेल्टर ढूंढने लगता है। उसे लकीली एक केबिन मिल जाता है जो उसके गुम्फा के पास ही था जो बहुत पुराना था मगर ठीक ठाक था जो अभी के लिए। इबो उसे लेकर एक पुराने सोफे पर उसे लेटा देता है और वो ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। कहीं से एक कपड़ा ढूंढकर वो पहनकर जान के पास आ जाता है। इबो उसके फेस को छूकर उसकी पूरी बॉडी को देखता है जो घाव था वो स्लोली वो अपने आप ठीक हो रहा था। उसकी नज़र एक जगह पर टिक जाता है जो देखता है ब्लैक टिंट्स था। वो मंबल्स करते हुए कहता है ब्लैकर्स उसके बॉडी में कैसे आया। उसे इसके बारे में सब कुछ पता था क्योंकि वो सीक्रेटली अपनी माँ के बुक से वो चुरा के लाकर हर दिन पढ़ा करता था तो उसके बारे में उसे सब कुछ पता था। तो इबो उसके पूरे बॉडी को एक टॉवल से क्लीन करता है और उसके कपड़े को चेंज करता है और वो दुखी मन से कहता है तुम हमेशा इस कोर्स को लेकर जीने वाले हो। ये कहकर उसके पास में ही वो लेट जाता है। अब हमें जान का ड्रीम दिखाया जाता है। जान एक सुनसान जगह पर खड़ा हुआ था जो इबो का नाम बुला रहा था मगर वो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस उसकी आवाज़ उसी के पास ही रिटर्न आ रहा था। वो चारों तरफ देखता है। कुछ ही दूर में एक इंसान खड़ा हुआ था जो एंशिएंट के कपड़े पहने हुए थे जो ब्लैक रूफ्स पहने हुआ था। वो उसकी फेस देखने की बहुत कोशिश करता है मगर उसकी फेस नहीं देख पा रहा था। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें पता है हम लोग कहाँ पर है। वो ब्लैक रूफ इंसान वो वहाँ से चला जाता है। जान उसे कहता है हे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते और उसे फॉलोअप करने लगता है। कुछ ही दूर में वो दोनों खड़े होते हैं। उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो एक अनजान प्लेस में खड़ा हुए हैं जहाँ पर चारों तरफ ब्लड है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत सारे लोगों के रोने की आवाज़ आता है। वो चारों तरफ देखता है जो चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ा हुआ था। जब वो अपने आप को एक डिफरेंट कपड़े में देखता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और जो सामने एक इंसान जो उसे अजीब सी नज़र से देखकर मुस्करा रहा था। तो जान कहता है मैं कहाँ पर हूँ। वो इंसान कहता है तुम अपने ड्रीम पर हो और मैं तुम्हारा पास्ट हूँ। तो जान शॉक होता है क्या तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। वो इंसान कहता है तुम और मैं और तुम हम दोनों एक है मैं तुम्हारा पास्ट हूँ। जान कहता है क्या कह रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारा पास्ट हूँ ये सारे डेड बॉडीज देखो जो इन सब के मरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है मैंने ही इन सबको नुआ डाला। जान पूरी तरह शौक हो जाता है। जान चिल्लाते हुए कहता है ये सच नहीं है मैंने किसी को नहीं मारा मैंने किसी को भी नहीं मारा। वो दूसरा इंसान कहता है तुम इस बात को इनकार नहीं कर सकते तुम अपने सेल्फिशनेस वजह से इन सबको मार डाले। जान अपने
कान को बंद करते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं किया। जान, तुम रियलिटी को इस तरह टाल नहीं सकते। तुम उसके एविडेंस अपने दिल में लेख कर चल रहे हो। और वो अपनी उंगली चेस्ट पर करता है जहाँ पर ब्लैक टेंट है। जान चारों तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इन सबको मारा है, मगर सेल्फिशनेस वजह से नहीं, मैंने बस अपने प्यार के लिए मारा है। वो सब मुझे बेटरेट कर रहे थे बस पावर के लिए, इसलिए मैंने इन सबको मारा। मुझे माफ़ कर दो इन सब के लिए, मगर मैं कभी भी रिग्रेट नहीं हूँ इन सब के मौत की वजह से। दूसरा इंसान कहता है, तो फिर अपने आंखें खोलो, वो तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम ऑलरेडी पूरी तरह ठीक हो गए हो। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जान स्लोली अपनी आंखें खोलता है तो इबो कहता है, तुम फाइनली उठ गए। तो जान उसकी तरफ देखता है जब वो रो रहा था। उसे भरोसा नहीं था कि वो पहला इंसान वो इबो होगा। वो उसका नाम कहकर उठने की कोशिश करता है तो इबो उसे कहता है, नहीं अभी मूव मत करो, हमारे गांव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। जान चारों तरफ देखते हुए कहता है, हम कहाँ पर है? तो इबो कहता है, मुझे नहीं पता हम कहाँ पर है। तो जान कहता है, सभी कहाँ है, ईजन कहाँ है? तो इबो कहता है, वो रेस्ट हाउस में है और सभी ठीक है, हम जंगल के अंदर हैं, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे टीज करते हुए कहता है, तो फिर हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो पूरी तरह ब्लॉस हो जाता है और कहता है, मुझे सारे सवालों का जवाब चाहिए, स्पेशली इसका। वो हार्ट की तरफ उंगली करते हुए कहता है और कहता है, पहले तुम रेस्ट ले लो। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। जान कहता है, ठीक है, और अपने आप से कहता है, अब मुझे कहना ही चाहिए। और वो खड़े होकर इबो के पास जाकर उसे बैक हग करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ओरेट कर दिया। इबो कहता है, तुम्हें पता है मैं पूरी तरह बेहोश हो गया था जब इविन की बहन ने कहा था कि रोहन तुम पर अटैक करेगा। जान कहता है, आई एम सॉरी, वो गिल्टी था मगर रिग्रेट नहीं था, सभी को रेस्ट हाउस भेज कर। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मगर तुम मुझे कह सकते थे, मैं तुम्हारी मेट हूँ। जान कहता है, मुझे पता है, मगर मैं तुम्हें कोई डेंजर में नहीं डाल सकता, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, मैं तुम्हें सेफ करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकता हूँ। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मगर मैं नहीं चाहता, हम दोनों ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। जान कहता है, मगर मैं अकेला। इबो उसके लिप्स पर उंगली रखकर उसे साइलेंट करवा देता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला ये सब कुछ को डील करने नहीं दूंगा। जान कहता है, आई लव यू। तो इबो ब्लश हो जाता है और उसके ऑल फियर बाहर निकल आते हैं। जान गिगल करते हुए उसके ईयर को टच करने लगता है और कहता है, कितने ज़्यादा क्यूट है, मैं अपने मेट ओल्फ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने उसका क्या नाम रखा है? इबो कहता है, कुछ नहीं, तुम उसे देखना चाहते हो? जान बच्चों की तरह हाँ करता है। तो इबो कुछ डिस्टेंस में जाकर वो ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। जान उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, कितना लवली है। तो इबो कहता है, थैंक यू। जान उसे पास जाकर उसे गले लगकर उसे किस करके उसके साथ खेलने लगता है। इबो सडनली इवन फॉर्म में बदल जाता है तो जान पाउट बनाने लगता है। तो इबो कहता है, पहले बताओ तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे या मेरे ओल्फ से? जान पूरी तरह शौक हो जाता है और हंसने लगता है और कहता है, ऑफ कोर्स माई बेबी बोबो को। ये कहकर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। इबो भी उसे रिटर्न किस करता है और कुछ देर बाद इबो कहता है, कल हम यहाँ से जाने वाले हैं, तुम मुझे सारी बातें बताओगे, स्पेशली इस चीज़ का। इबो उसकी चेस्ट पर उंगली करते हुए कहता है। जान उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है, श्योर मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा। आज का पाठ हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।